चलिए आगे बढ़ते हैं। फैनी तूफान को लेकर उड़ीसा के 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। गजापति, गंजम, पुरी, खुर्दा, कटक, बालासोर और ढेकानाल में रेड अलर्ट जारी हुआ है। ये वो जिले हैं जिनमें रेड अलर्ट जारी हुआ है। फटाफट से आपको बता दिए हमने, फेनी तूफान को लेकर 3 और 4 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये भी एक जानकारी निकल कर आई है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें पूरी तरह से अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, ट्रेनों के रूट्स डायवर्ट किए गए हैं। लगभग 2 ट्रेनें हैं जिनका रूट डायवर्ट किया गया है और जो ट्रेनें हैं उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि जो वो रूट बैठता है वो उड़ीसा आंध्र प्रदेश से ही होकर बैठेगा, यानी कि वो ट्रेन गुजरेंगी, जिसके लिए इन ट्रेनों को रोका गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान फैनी ने उत्तर भारत में भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बंगाल के 19 जिलों में तूफान के खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। ईस्ट कोस्टल रेलवे ने 103 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि 2 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। सभी ट्रेन कोलकाता के अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। वहीं पूरी में होटल मालिकों को प्रशासन ने नोटिस दिया है और तूफान को देखते हुए पर्यटकों को पूरी छोड़ने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि फैनी शुक्रवार को पूरी पहुंचेगा। बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात की थी। जो जरूरी आवश्यकता है सारे चीजों को मदद करने के लिए सारे भारत सरकार की ओर से पूरा व्यवस्था किया गया है। फैनी तूफान को देखते हुए ही 5 मई को पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को टाल दिया गया, जबकि चुनाव आयोग ने भी राहत कार्यों की अहमियत को देखते हुए ओडिशा के 11 जिलों से आचार संहिता हटा ली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नेवी को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा ओएनजीसी ने एहतियात के तौर पर बंगाल की खाड़ी में बने अपने रिग से 480 कर्मचारियों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। केंद्र सरकार ने फैनी तूफान को देखते हुए 4 राज्यों, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम सहायता के तौर पर जारी कर दी है।